ये हमारा जनरेटर वाला पैनल है और हम उसकी पैरामीटर चेक कर रहे हैं। ये लाइन 2 पे पावर माइनस है, लाइन 3 पे भी पावर माइनस है जो कि पास चलनी चाहिए। ठीक है, पावर फैक्टर हमारा माइनस में जा रहा है, तीनों फेज से माइनस हो रहा है जो फेज है। यहाँ पे जो पावर है ये दो फेज पे मैंने चलाया है, सब पे सेम होनी चाहिए बस में। ये के वी आर पावर है हमारा, ये ओवरऑल हमारी पावर आ गई जो कि किलो वाट पावर जो हमारी। हमारा पावर फैक्टर जो प्लांट है वो ऑन है, PFI पैनल ऑन कंडीशन में। ये रीडर हमारे LT पैनल की है, तकरीबन 150 पे तक, लेकिन मल्टीमीटर पैनल हमारा 200 पावर जो है उसको देख लेते हैं। पावर समेशन ऑफ पावर तकरीबन सेम ही है, लेकिन एम्पीयर में काफ़ी डिफरेंस है। अभी हम पावर फैक्टर ऑफ किया हुआ है और उस पर लोड चेक कर रहे हैं। ये हमारा मीटरिंग पैनल पे लोड आ गया, अब क्लैंप मीटर से लोड चेक कर रहे हैं। ब्लू कोल पर जो हमारा लोड चल रहा है वो 184 पे। और इधर ये ब्लू पे जो 200 ये डिफरेंस इस वजह से आ रहा है कि दूसरी बिल्डिंग हमारी अंदर चाहिए। पावर मीटर हमारा पैनल टोटली ऑफ है। ये हमारा लोड है 3 फेज पे एनर्जी एनालाइजर पे, और ये हमारे एम्पीयर मीटर पैनल पे लोड है। के अब हम जा रहे हैं मल्टीमीटर लोड चेक कर लीजिए। ये हमारा मल्टीमीटर का लोड है, लोड, लेकिन हमारे पैनल के लोड में डिफरेंस है यहाँ पे 146 एम्पीयर। अभी हम पावर चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये टोटल पावर है हमारी 104 किलोवाट आ रही है इधर, और KVR 0.4 है। अभी हम पावर फैक्टर चेक कर लेते हैं। पावर फैक्टर ओवरऑल 1 आर है, पर फेज 1 आर है, लेकिन लाइन 2 इन येलो फेज पे हमारा माइनस में वैल्यू शो करते हैं।